जो काम 14 में मणिशंकर अय्यर ने किया अपने कर कमलों से, अने अपने मुखार बिंदु से, 2019 में जो काम राहुल जी ने किया अपने मुखार बिंदु से, मुझे लगता लालू जी को लगा होगा कि भाई सारा क्रेडिट अय्यर और राहुल गांधी लिए जा रहे हैं मोदी की सरकार बनवाने का, थोड़ा मैं भी लूं अपने मुखार बिंदु से। तो उन्होंने मंच देखा, माइक देखा, माला देखी, तो ऐलान कर दिया मोदी क्या चीज है, मोदी का तो परिवार नहीं है। अब देश भर में रार छिड़ी एक मैं भी मोदी का परिवार, क्या देख रहे हैं इसके पीछे? और अखिलेश जी कह रहे हैं कि लग रहा मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। पहले जब तकनीक का जमाना नहीं था तो कुंभ के मेले में ऐसी स्थितियां लग हो जाती थी। मिश्रा जी देखिए, अमिताभ जी थोड़ा सा समय आज ज्यादा दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। भारत भूमि और भारत के चुनावों की बात हो रही है, भारत के लोगों के कल्याण की बात हो रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पुरातन काल से चलिए, कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहा था ना, तो वो इंद्रासन मांगना चाहता था, तो बोला गया कि भैया इसके जबान पे सरस्वती को बैठाओ, उसने निंद्रासन मांग लिया कि नींद में सोता रहे। तो ये सरस्वती इन सब लोगों के जबान पे बैठ गई है, मणिशंकर अय्यर के मुखार बिंदु, राहुल गांधी से के मुख से मुखार बिंदु कि चौकीदार भी चोर है, अब लालू यादव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं परिवार पे आता हूँ। देखिए, परिवार जो शब्द है इसकी इटिमोलॉजी फैमिली, फैमिलस, फैमिलिया करके, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बड़ा संकीर्ण है, स्वार्थी है, स्वार्थ परक है, मतलब कोई सेवा करने वाले लोग जो है, दो तीन लोग मिलके, नौकरानी, ये सब चीजें मिलके परिवार बनाते हैं। यहाँ कुटुंब, मोदी जी जब परिवार कह रहे हैं तो वो कुटुंब, और ये लोग बोलते हैं मैं धरती पुत्र हूं, लेकिन धरती के कानून, धरती के सिद्धांत, धरती के नियमों को नहीं मानते हैं। एक श्लोक मैं आपको बोलता हूँ, अयम निजह परो वेताम गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र का है उसके लिए तो वसुधा, पूरी धरती ही अपना परिवार है। और अभी एक नेता जी जैसे कोई बोल रहे थे कि भाई खून की बात, खून के रिश्ते, अरे तो 150 करोड़ भारतीयों का डीएनए सेम है, ये कितनी बार साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दी है, तब तक खून एक है। तो 150 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने में इतनी संकीर्णता क्यों? इनके लिए परिवार घूम फिर के वही आता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसके बाद सारे लोग नौकर और चाकर है, इनको कंधे पे उठा के घूमते रहिए। एक चीज और मैं जिससे प्रभावित हूं, भगवान करे माता दे तो सोनिया गांधी जैसा और पिता दे तो लालू प्रसाद यादव जैसा, बड़े भाग्यशाली इनके बेटे हैं, सफलता मिले या असफलता, बार बार लॉन्च करने के बाद, 20 बार फेल होने के बाद अभी भी सोनिया गांधी मातृ धर्म निभा रही है गांधारी की तरह। इसी तरीके से लालू यादव, ईडी बुलाए तो स्ट्रेचर पे लेट जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तबीयत खराब है, और अखाड़े में दौड़ दौड़ के जब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक ठीक, आएंगे दोबारा मैं आपके पास, कीर्तन जी के पास चलो। उससे पहले एक बात कहूंगा जो मिश्रा जी ने कही, उस बात ठीक है कि भाई हम सब लोगों को चिंता थी लालू जी के स्वास्थ्य की, कीर्तनिधि जी, क्योंकि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको सम्मन हुआ था तो वो व्हील चेयर पर ऐसे आंखें झपका रहे थे, ऐसे ढीले ढाले आए थे, 4 लोग पकड़े थे व्हील चेयर, लग रहा था कि बहुत तबीयत उनकी गंभीर रूप से खराब है। अभी हम लोगों ने देख लिया टीवी पे उनको कि भाई मंच है, माला है, माइक है, हुंकार रहे हैं, ललकार रहे हैं, क्या मामला फिट है चौचक, ये अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि अब की बार जब अदालत बुलाए तब भी लालू जी ईश्वर की कृपा से ऐसे ही स्वस्थ और पैरों पर चल के जाते हुए गरजते हुए दिखने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ये खराब लगता है कि कचहरी जाओ तो फिर मार सहायकों के साथ लेटे लपटे जाओ, और मंच दिखे तो जय जयकार। हम दुआ करेंगे कि स्वस्थ रहें। लेकिन ये जो बात आई कि अखिलेश जी ने कहा कि भाई मेले में बिछड़े लोग मिल गए, और एसटी हसन कह रहे हैं कि वो लालू यादव की बेटी की बात बोल रहे हैं एसटी हसन, कि भाई जिनका खून का रिश्ता है वही चलेंगे, बाकी कोई नहीं परिवार माना जाएगा। ऐसा तो कभी देश में नहीं रहा कि खून का रिश्ता है वही परिवार माना जाएगा। कीर्ति निधि जी, नहीं देखिए, देखिए अमिताभ जी, एक क्योंकि दामाद भी खून का रिश्ता नहीं होता और बहू भी खून का रिश्ता में नहीं होती,
और भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का देश है मित्र, नहीं पांडे जी? देखिए जब उसकी बहस होगी तो कानूनी रूप से भी उसके कई डिसीजन आए हैं, दामाद के लिए बहू के लिए कई डिसीजन हैं जी। बहू का अधिकार बेटे के साथ हो जाता और जहां जब से बेटियों को अधिकार मिला उसके हिस्से के साथ दामाद भी हैं। अब बात राजनीतिक रूप से जो आप कर रहे हैं कि लालू यादव जी बहुत स्वस्थ हैं, लालू जी को कोर्ट जाना चाहिए तो इसी तरह जाना चाहिए, आप पूरी प्रदेश को देखेंगे तो देखेंगे कि लालू जी को सहारा देके उठाना पड़ रहा और हमें लगता है कि जितना लंबा भाषण करते थे बहुत कम समय का भाषण किया। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद वो पहली बार हमें लगता है मंच पे है। ठीक। और मिश्रा साहब कह रहे थे कि लालू यादव जैसा बाप चाहिए और सोनिया गांधी जैसी मां चाहिए। ठीक। तेजस्वी यादव ने 2020 में ये साबित किया कि नीतीश जी और मोदी जी मिलकर लड़े थे और सबको बाइफर्केट करेंगे तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल आरजेडी हुआ था विधानसभा के अंदर। ये तेजस्वी यादव की मेहनत और तपस्या थी लगातार। और दूसरी बात आता हूं परिवारवाद जी, जिस तरीके से होड़ मची है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि मैं भी मोदी का परिवार। परिवार जब हम लोग जानते हैं तो घर से निकलते हैं तो घर को परिवार, फिर मोहल्ले में आते हैं तो मोहल्ले को एक परिवार मानते हैं, फिर बढ़े तो थाना एरिया जो होता है उसको परिवार बताते हैं, फिर जनपद को परिवार बताया जाता है, फिर स्टेट को और फिर देश को। मोदी जी कह रहे 140 करोड़ लोग मेरे परिवार। तीन चार सवाल है सीधा सीधा, जो 700 किसान शहीद उनके परिवार में आते कि नहीं आते, जिन किसानों के लिए कील और कांटे लगाए जा रहे हैं वो उनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते जी। ठीक। बीएचयू जहां से वो सांसद हैं जी, एक बिटिया का बीएचयू के अंदर रेप हुआ, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस बिटिया का परिवार 140 करोड़ परिवार में आता कि नहीं आता? ठीक बात। जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया वो बेरोजगार मोदी जी के परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि केवल उद्योगपति मित्र आते हैं? ठीक। और इस तरीके की तमाम घटना है। ठीक है, तो वो तो अब सब तो एनसीआरबी की किताब खोल के घटनाएं ना गिनाएं, समझ गए आप क्या कह रहे हैं। कीर्ति निधि अभी रुकना होगा, बाकी मेहमान आ गए उनके पास भी चलेंगे, हम समझ गए आपका आशय, जनता भी समझ गई आपको, आपने कई घटनाएं गिनाई अच्छे से। ठीक है कीर्ति निधि, अभी रुकना होगा, अब रुक जाओ, बाकी मेहमान भी आ गए हैं। भाजपा के आलोक वर्मा हमारे साथ है, उनका स्वागत है, कांग्रेस के मुन्ना खान है, उनका भी स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे ने एक बात कही, उसी बात में सारा पेच है, उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर आलोक वर्मा और मुन्ना खान के पास चलूंगा। उन्होंने कहा तेजस्वी जी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और लोगों ने किया, अब ये तो नहीं कह सकते राहुल गांधी ने भी किया क्योंकि अभी उन्होंने तो किया नहीं, वो अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन मेरा ही आपत्ति हमेशा से एक रही, कीर्ति निधि को मुख्यमंत्री बना दो तभी ना ये प्रदर्शन कर पाएंगे, कीर्ति निधि को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो फिर ना देखें ये कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन नहीं बनेंगे। लालू यादव का बेटा होंगे आप तो डिप्टी सीएम से ही शुरुआत होगी, सीएम से ही शुरुआत होगी, यही तो लड़ाई है, लड़ाई यही है बाबू, और क्या किसी ने किसी की गाय खोल ली, कहां भटक रहे हो? समाजवादी पार्टी के सामान्य आदमी के जो गरौठाम जन्मा है, पटरौनाम जन्मा हो, उसको चीफ मिनिस्टर बना देते मुलायम सिंह जी, तो पता लगता ना कि वो क्षमतावान है कि नहीं है या यही क्षमतावान है, उसको अवसर नहीं मिलेगा। यही तो परिवारवाद की संघर्ष है कि कीर्ति निधि पांडे क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं, लड़ाई तो यही थी मित्र, बाकी की तो कहानी है, उसमें क्या रखा छोड़ दीजिए। और कीर्ति निधि जी ने कहा कि नहीं लालू जी अभी भी बीमार है, मैं चाहूंगा कि वो बीमार ना रहे, जैसे वो बैडमिंटन खेलते हैं, जैसे वो बोलते हैं मंच से, ऐसा ही 2400 घंटे उनका जीवन रहे, मेरी शुभकामना है। कोर्ट कचहरी के सिम उससे डरे ना, बयान उससे बुलावे से, तब भी ऐसे ही जाए तनके, अरे कोर्ट है तो क्या है भाई, जाएंगे कोर्ट में ऐसे शिथिल हो जाओ, कंबल ओढ़ लो, ठीक नहीं,
ऐसे जाइए शेर की तरह, कोई समस्या नहीं। जैसे बैडमिंटन खेलते तो कोई चार आदमी तो पकड़ के नहीं खिलाते बैडमिंटन कि चार आदमी हाथ पकड़ कर भैया चिड़िया ले बल्ला मारो, बल्ला पकड़ो चिड़िया मारो, ऐसा तो नहीं कर रहे, खेल रहे लालू जी, स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। आलोक वर्मा जी कुछ सवाल कीर्ति निधि जी ने खड़े किए, उनने कहा कि भाई बाकी सब ठीक है लेकिन ये जो जिनको रोजगार नहीं मिला वो लोग इनके परिवार में योग मोदी के आते हैं कि नहीं, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको किसान आते हैं कि नहीं, आदि 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 उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, आपने सुने होंगे, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल कीर्ति भाई, जिनको रोजगार नहीं मिला और जिनको रोजगार मिला जी, जिनको रोजगार दिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरा सिस्टम कर रहा है, वो सब हमारे परिवार में है। जो किसान है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 2047 का एक सपना लेकर के जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसमें जितने लोग हैं 140 करोड़ लोग हमारे परिवार का हिस्सा है। और अगर आप बनना चाहें, आप अखिलेश यादव के साथ डेडिकेटेड नहीं है, तो आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है। देखिए भारतीय संस्कृति रही है, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो अपना सर्वस्व होम करके, सर्वस्व राख करके देश के लिए आगे बढ़ते हैं, देश को बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। मोदी जी अगर कहते हैं कि कदरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही पार्टी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जब हम कहते हैं तो उसके पीछे कुछ गंभीरता होती है। हमारा ये मकसद होता है कि राजनीति में वो लोग आए जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं, ऐसे लोग नहीं जो देश को लूटना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या आप करते थे, किस तरीके से नए नए लोगों को आप आगे बढ़ाते थे। एक तो मंत्री आपके जेल में है और उन मंत्री के पीछे किसका हाथ था, मथुरा में जब आप जवाहर बाग कांड होता था तो उसके पीछे कौन से दो मंत्री थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी क्या करते हैं क्या नहीं करते बताने की जरूरत हमको नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब हटते हैं तो किसको बनाते हैं, अखिलेश यादव जी का ही नाम उनको दिखाई पड़ता है। अरे आजम खान को बना दिया होता साहब, ऐसे बहुत सारे और नाम थे, उनको आपने आगे बढ़ा दिया होता, लेकिन आप नहीं बढ़ाएंगे। हम यही कहते हैं, ऐसे लोगों को पारिवारिक पार्टी कहते हैं। आप मोदी जी के ऊपर सवाल मत खड़ा कीजिए, 10 साल में लोगों ने उनको जान लिया बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ के लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत जानना मुश्किल नहीं होता। 10 साल में मोदी जी को इस देश ने परख लिया है, 10 साल में जिस तरीके का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में और देश के हर हिस्से में आया है, उससे एक भरोसा आज भारत में डेवलप हुआ है। आज हम गर्व 2047 की बात करते हैं, ये से कैसे गर्व के साथ, और पूरा आपके साथ जो लोग चुके थे कीर्ति भाई, वो भी हमारे साथ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, देश के साथ रहेगा, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, देश की जनता उसके साथ रहेगी। 2014 के बाद से आपने कई बार कोशिश की ना हमको डिगाने की, 2014 में भी आपने कोशिश की थी, 2017 में भी आपने गठबंधन बनाया ठीक था। आलोक बाबू अभी रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब को अभी रुकना होगा, आलोक बाबू मैं मुन्ना खान साहब को, मुन्ना खान साहब अच्छा बड़ी रोचक बात कह रहा हूं, दो बार से मोदी जी को सत्ता में लाने का क्रेडिट कांग्रेस ले रही थी, 14 का क्रेडिट एक तरफा मणिशंकर अय्यर को मिला, उसमें किसी का शेयर नहीं क्या, 19 का क्रेडिट एक तरफा राहुल जी को मिला, उसमें भी किसी का शेयर नहीं, उनने नारा लगाया चौकीदार चोर है, वो 303 सीट जीत के आए। मुझे लग रहा है, आप सही गलत आप बताना, कि लालू जी को लगा होगा भाई सारा क्रेडिट कांग्रेस को क्यों मिले क्या, 24 से पहले हम माइक पकड़ेंगे, और उनने माइक पकड़ा, उनने कहा एक मुद्दा हम भी उछाल दें, जैसे मोदी को चाय की ठेली लगवा रहे थे अय्यर तो 284 जीते, राहुल गांधी का चौकीदार चोर है तो 303 जीते, तो लालू जी ने कहा हम काय को पीछे रहे, अजिया नचिए तो नचिए हम आऊं, एक कहावत है यूपी में। मुन्ना खान साहब ये दिख रहा है ऐसा, ये है इसके पीछे मामला, देखिए सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है तो वाकई चौकीदार चोर है, क्योंकि जो जज जिस जज ने फैसला दिया उसे आपने राज्यसभा भेजा, देश की जनता देख रही। दूसरा सवाल अमिताभ जी, आज ही मोदी जी को क्यों परिवार याद आ रहा है, क्या मोदी जी को ये नहीं पता मैं लुगाई छोड़ के भागा था, उनको लुगाई छोड़े कितने दिन हो गए, तो लुगाई छोड़ के भागने वाले लोग आज कहते नहीं मैं परिवार हूँ, मेरा परिवार है, 140 करोड़ जनता परिवार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता में क्या मणिपुर आते हैं, क्या 45 करोड़ बेरोजगार युवा आते हैं,
क्या वो किसान भी आते हैं जिनपे रातों में गोलियां चलाई गई, या वो महिलाएं वो बेटी भी आती है जिन्हें जंतर मंतर पे रोडों पे जलील किया गया और बूटों से रौंदा गया, क्या वो किसान भी आते हैं जिसपे टेनी मिश्रा ने थार गाड़ी चढ़ा दी, क्या वो महिलाएं भी आती है जिसे नग्न अवस्था में पूरे गया? ये भी क्या भाजपा पार्टी के परिवार है, मोदी जी के परिवार है? अगर ये मोदी जी इनको परिवार मानते हैं तो मैं लानत देता हूं देश के ऐसे प्रधानमंत्री पे जो खुद कहते हैं मैं परिवार का एक मिनट रुको, एक मिनट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल गांधी के कंपटीशन में लालू यादव उतर आए हैं? बोले भाई एक सरकार राहुल ने बनवाई, एक मैं बनवाऊंगा। नहीं नहीं, सरकार राहुल और लालू यादव के बस की बात नहीं है, सरकार तो जनता बनाती। वही मैं कह रहा हूं, इनके बस की बात नहीं है, वही अब आप सही समझे, इनके बस की नहीं सरकार, वही अब आप ठीक समझे। नहीं नहीं, सरकार बनाना तो जनता का काम है, तो जनता आज देख रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा ठीक। अरे अभी कहां भारत जुड़ रहा है, रुक जाओ भैया मुन्ना खान, एक मिनट रुक जाओ, भारत तो जुड़ गया जितना जुड़ना था।